Hi students, good morning. Today we will learn a new topic here, okay, from lesson number 1 and the topic is nervous system. ठीक है, आज हम nervous system पढ़ने जा रहे हैं. तो ये आपके पहले चैप्टर का पोर्शन है, एक भाग है जिसे हम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम ब्रीफली इनिशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं. नर्व, जो आपने नाम सुने हो, ठीक है, नर्व मीन्स जो ह्यूमन बॉडी रहती है, इंसान का जो शरीर रहता है उसमें कई सारे नर्वसेस है. सो नर्वसेस का काम क्या है, फ्लोइंग करना, ब्लड को फ्लोइंग करना, मीन्स वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, हमारे हाथ, हैंड से लेकर लेग तक जितने भी जो प्रोसेस होती है फ्लोइंग की, ब्लड फ्लोइंग की, वो नर्वसेस के माध्यम से होती है. ठीक है, तो नर्वसेस सिस्टम इट इज़ अ नेटवर्क. एक क्या है, नेटवर्क है जो कि हमारे बॉडी में फैला हुआ है, हमारे हाथ से लेकर पैर से लेकर ब्रेन तक, ये सारे हमारे बॉडी के जो अंग है, फैक्टर्स है या फिर ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स में नर्वस सिस्टम स्प्रेड हुआ है, क्लासीफाइड हुआ है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द नर्वसेस. ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्वसेस, बिकॉज नर्वसेस के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, छोटी छोटी टुकड़ियों में, ट्यूब में उसको बांटा गया है, बटे गए हैं हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में ब्लड फ्लोइंग होता है, साथ ही साथ जो इमोशंस हैं हमारे, वो मैसेजेस सेंडिंग रिसीविंग का काम होता है. तो उसका जो मेन बॉस है वो है ब्रेन. ठीक है, अभी ब्रेन के बारे में, जैसे ब्रेन आपको पता है, ब्रेन हमारे हेड के अंदर रहता है, जो हमारा हेड है उसके अंदर में ब्रेन इंसिस्ट कंसिस्ट है, जो कि ब्रेन इज अ मॉनिटर ऑफ बॉडी. हम ब्रेन को अदर वर्ड में क्या बोलेंगे, इट इज अ मॉनिटर ऑफ बॉडी. बॉडी को कंट्रोल करने का काम, सारी इमोशंस, फीलिंग या फिर एक्शन जो भी हम करते हैं, डेली रूटीन करते हैं, उसमें जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी फील होता है हमें, जो भी इमोशंस है, जो भी रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, हमारा ब्रेन करवाता है. ठीक है, एंड ब्रेन इज अ वेरी इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो नर्वसेस, बहुत सारी नर्वसेस हमारे शरीर के भीतर फैली हुई है, जो भी हमें इमोशंस आती है या फिर जो भी हम एक्शन करते हैं, तो सपोज अगर इंजरी हो गई तो उसका डायरेक्टली मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, वो भी किसके माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से, नर्वसेस की. सो दैट इज द डायग्राम आई मेड हियर ऑन द बोर्ड. यू हैव टू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, आपको ऑब्जर्व करना है और समझना है. साथ ही साथ आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, जो कि आपको ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें, जब नर्वस सिस्टम की जो नेटवर्क है कैसे बॉडी में फैला हुआ है, आपको समझना है. ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम पहला ब्रेन. ब्रेन का कंसिस्ट होता है इन द हेड. ठीक है, हेड का जो मिडल पोर्शन होता है उसमें ब्रेन कंसिस्ट होता है. ब्रेन यानी दिमाग. ठीक है, तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी, लाइक अ कंप्यूटर. ओके, जैसे कंप्यूटर आपने देखे हो, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक. ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. ओके, दिस इज नॉट मैन मेड. सो जो ब्रेन होता है, ब्रेन का काम होता है जो भी कमांड्स मीन्स जो भी कमांड्स या फिर ऑर्डर हम देते हैं, वो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुँचते हैं. पहले ब्रेन को क्या होता है, एकदम से अलर्ट होता है, और फिर हम क्विक एक्शन जो है हम लेते हैं या फिर शो करवाता है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पैर को या फिर आपके पैर को एक सुई, नीडल्स लग गई. ठीक है, ब्लडिंग फ्लोइंग हो रहा है, तो क्विक एक्शन जो है, एट ए टाइम जो हमें एक्शन फील करवाते हैं, वो जो एक्शन है पहले ब्रेन तक जाती है. ठीक है, एंड दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके तहत जो भी मैसेजेस है, लाने का काम, पहुंचाने का काम या फिर ले जाने का काम जो नर्वसेस करते हैं, फिर स्पाइनल जो कॉर्ड है इसके द्वारा की जाती है. ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम. सो दैट इज द नर्वसेस. ओके, अभी सेकेंड देखते हैं, इट्स कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, कार्य है, उनको कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है. ठीक है, जैसे हमारे फीलिंग्स है, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट,
जो जब भी हम हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं या फिर क्राइम करते हैं, इन सारी चीजों की जो एक्शंस है उनको कंट्रोलिंग करने का काम ब्रेन करता है। ठीक है, ब्रेन स्टोर्स मेमोरीज। ठीक है, ब्रेन में हमारी जो मेमोरीज है, यादें हैं, बचपन से लेकर टीनेज तक और टीनेज से लेकर बुढ़ापे तक में ओल्ड एज तक वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखता है। ठीक है, मीन्स इट इज द स्टोरिंग डिवाइस ऑल्सो, ओके, लाइक अ कंप्यूटर, एंड दैट्स व्हाई इट्स कंपेयर, और इसीलिए उसको कंप्यूटर से उसकी कंपैरिजन की गई है। ठीक है, सो ब्रेन इट इज इन अ स्मॉल ब्रेन इज अ स्मॉल इन अ साइज बट इट हैज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी। ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बहुत ही ज्यादा है। तो हम बच्चों देखेंगे इसमें कि नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है हमारे बॉडी को रन करवाने में, चलाने में। अगर नर्वस सिस्टम हमारा कहीं डैमेज होता है, एक हद पार्ट में नर्वस सिस्टम अगर कुछ उसका जो पार्ट है हैंड या फिर लेग का, तो उस पार्ट का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, मीन्स कार्य करना बंद हो जाता है। और इसीलिए हमारा नर्वस सिस्टम है वो निरंतर रूप से कंटिन्यूसली चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम एक्चुअली इट इज द सोर्स, एक साधन है जो कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपरली रन करवा सके। ठीक है, सो दैट इज द नर्वस सिस्टम। नाउ वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर ब्रेन के बारे में। देखिए, इसके बाद में नर्वसेस है जो कि हमारे हार्ट जो है, हार्ट जो रहता है हमारा, दिल जो रहता है, वहाँ से लेकर हमारे पैर तक, जो हमने एक्सट्रीम लास्ट टाइम एक्सट्रीम फैक्टर पढ़े हैं, उसके बाद में हमारे स्टमक, हैंड से लेकर लेग्स तक सारे सिस्टम में नर्वस सिस्टम स्प्रेड किया हुआ है। मीन्स जस्ट लाइक अ नेट, इंटरनेट जो बोलते हैं हम, माहिती के जरिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, सो नेटवर्क कैसा है, फैला हुआ है पूरे एटमॉस्फेयर में, इंटरनेट का नेटवर्क फैला हुआ है। सिमिलरली ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, अभी नर्वस का जो वर्क है, जो मैसेजेस को कैरी करना और फॉरवर्ड करना। ठीक है, ब्रेन तक जितने भी हमें जो फीलिंग्स आती है या फिर इंटेंशन रिएक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम गर्म पानी, ओके, जो गर्म पानी होता है उसमें सडनली किसी बच्चे ने उसमें हाथ डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, गर्म पानी में, तो क्या होता है, उसको एकदम से हाथ जलने की जो फीलिंग है या फिर गर्म हो जाता है हमारी जो बॉडी है, हमारी स्किन है, एकदम से जलने की फीलिंग आती है, तो वो सारी चीज़ें तुरंत एट द टाइम क्विक वो मैसेज कहाँ तक पहुँचता है, ब्रेन तक, और हम जो क्विक एक्शन करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स हम करेंगे, हाथ निकालते हैं जब से एकदम से फास्टली, वहाँ से अपना हाथ जो है, बच्चे का हाथ जो है रिमूव करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। सो दैट इज द क्विक एक्शन। ये क्या है, क्विक एक्शन है जो कि ब्रेन तक पहुँचती है, और ब्रेन क्या करता है, रिएक्ट करता है। सो दैट इज द नर्वस सिस्टम। द ब्रेन कैन नॉट डू द अलोन, ठीक है, मीन्स ये जो एक्शंस है ब्रेन अकेले नहीं करता, वो क्या करता है, हमारे जो भी रिस्पॉन्सिंग जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, या फिर ईयर नोज, जो भी बॉडी पार्ट है उसको रिस्पॉन्डिंग पार्ट, बॉडी पार्ट को रिस्पॉन्ड करता है, ओके, ये सारी चीज़ें होती है नर्वस सिस्टम से। ब्रेन प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द नर्वसेस एंड ऑर्डर ऑफ द पार्ट द बॉडी एक्शंस। ब्रेन ऑल्सो स्टोर द मेमोरी, इट्स सेंस ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विद द ब्रेन एंड गिव्स इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन डिसेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ब्रेन्स क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंटेंशन है, जो भी फीलिंग्स है, वो ब्रेन तक पहुँचाने का काम नर्वसेस करते हैं। फिर नर्वसेस के जो टाइप्स है उसके वेरियस टाइप्स है, छोटी बड़ी नर्वसेस उसमें डिवाइड किया गया है, और उस नर्वसेस के माध्यम से क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, स्किन एकदम से उसमें हम स्किन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज अगर किसी पर्सन में, डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर
नर्स नर्स चेक करते हैं, जब भी किसी को फीवर हुआ है तो नर्स चेक करते हैं, नर्स को हाथ लगाएंगे और वो इमेजिन करते हैं, ठीक है, लॉजिक लगाते हैं कि एक्चुअल में इसका फीवर क्या है, ब्लडिंग फ्लोइंग हो रही है, ये सारी चीज़ें नर्स के माध्यम से आइडेंटिफाई करना डॉक्टर्स को ईजी रहता है। और इसीलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका हाथ पकड़ेंगे और क्या करेंगे, नर्सेस चेक करते हैं। सो दैट इज द वर्क मीन्स कैरी मैसेजेस एंड सेंड टू द ब्रेन एंड ऑल द एक्शंस विच इज रिलेटेड टू द बॉडी पार्ट दैट क्विक शो, वो क्या करते हैं, क्विक शो करवाते हैं। सो दैट वॉज द नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल सी द सेंस ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन लास्ट टाइम आपने पढ़े होंगे लास्ट ईयर कि सेंस ऑर्गन क्या है। सेंस मीन जिस ऐसे बॉडी के ऑर्गन जिससे हमें सेंस होता है, ठीक है, मीन्स हमें पता चलता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किन आइज ईयर नोज एंड टंग। ओके, स्किन आइज ईयर नोज एंड टंग दी आर द फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स। कितने हैं हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स, फाइव है। क्यों इसको सेंस ऑफ ऑर्गन्स कहा गया है, बिकॉज दैट ऑर्गन्स गिव अस द इंफॉर्मेशन द अलर्टनेस। ओके, ये जो ऑर्गन्स हैं हमें क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, अलर्ट करते हैं हमें, अगर कुछ हमारे बॉडी के साथ गलत हो रहा है या फिर कुछ बॉडी पर डैमेज इंजरीज हो गई, डैमेज हो गया, तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स हैं हमें मैसेजेस देते, तुरंत मैसेज देते, क्विक रिएक्ट करते, ठीक है। तो इसमें स्किन है, ठीक है, स्किन, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, अगर गर्म तवे पे हमने हाथ रख दिए तो एकदम से उसकी क्या आती है, फीलिंग्स आती है एकदम, बिकॉज दैट पोर्शन दैट मटेरियल इज हॉट, वी शुडंट टच ना। ओके, या फिर जब हम खाना खाते हैं अगर गरम गरम किसी ने परोस दिए, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली हम नहीं खाते, जब तक उसको क्या होते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, उसको कोल्ड होने देते हैं, उसके बाद उसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द इंटेंशन, दैट इज द मैसेजेस वी कैन इमेजिन बाय द स्किन। स्किन के माध्यम से हम इमेजिन कर सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं, और इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन कहा गया है। सेकंड वी विल सी द आईज। आईज यानी हमारी आंखें, ठीक है, हम आंखों से क्या करते हैं, आंखों से देखते हैं, क्योंकि जो हमें गॉड ने सबसे बड़ी सृष्टि को देखने की, जो इंसान को बनाया है, इंसान मीन्स ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स जो भी बने हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ इंसान को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इंसान में फीलिंग्स है, सोचने की क्षमता गॉड ने दी है। तो ये जो आइज है, आइज मीन्स आंखें, हम ये जो निसर्ग यानी नेचुरल जो सीन्स है, निसर्ग सृष्टि है, ठीक है, उसको देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द गुडनेस, व्हाट इज द बैडनेस, ठीक है, यानी अच्छा क्या है, गलत क्या है, हम देख के बता सकते हैं, सोच सकते हैं। सो दैट इज द आईज मीन्स जो साइट, जो हमें दृष्टि दी है भगवान ने, उससे क्या कर सकते हैं हम, लोग मीन्स लोक कल्याण, ठीक है, जन कल्याण कर सकते हैं। तो ये जो आईज है, आईज से हमें जैसे हैप्पी मोमेंट है, सैड मोमेंट है, तो उस टाइम हमारे सैड मोमेंट में ऑटोमेटिकली हमारे आईज से क्या आते हैं, टीयर्स आते हैं, आंसू बाहर निकलते हैं, और हमारे यहाँ तक कि हमारी जो आंखें हैं, आंखें भर आती है, ठीक है। सपोज किसी की डेट होगी या फिर कोई मर गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, ऑटोमेटिकली हमारी आंखें भर आती है, साथ ही साथ कुछ अच्छा देख के हमारी आंखें खिल उठती है, ये भी है। तो आंखों में अगर कुछ आपके आंखों में जैसे वॉइस मीन्स हवाएं चल रही है, डस्ट आ गई, तो डस्ट आ गई मीन्स आपके आंखों में क्या हो गया कि कुछ तो भी कचरा गया है, गार्बेज गया है, तो उससे हम आपकी जो आंखें हैं डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सारी चीज़ें किसी को देखकर फील करवाना, ठीक है, कोई मटेरियल्स देखना है या फिर एक्सटेंट देखना या फिर सीइंग वॉचिंग मूवीज सीरियल्स प्रोग्राम्स ऑल दैट थिंग्स वी कैन सी वी कैन ऑब्जर्व एंड वी कैन इमेजिन थ्रू द आईज। आईज के द्वारा क्या कर सकते हैं, इतने सारे प्रोसेस एक्शंस होती है, ठीक है। साथ ही साथ किसी की चोरी पकड़ना है वो भी हम देख सकते हैं, मीन्स ऑल दैट एक्शंस। तो ये जो आईज है ये भी हमें सेंस दिलाते हैं, हमें विचार करने पे, हमें थिंक करने पे वो क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, हेल्पलेस करते हैं, और इसीलिए दैट्स व्हाई उसे सेंस ऑर्गन्स कहा गया है। देन ईयर, सुनना,
ठीक है, सुनने के लिए कोई बातें कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है या फिर कनेक्टिंग हो रहा है वन पर्सन टू अनदर, तो उसके लिए सुनने के लिए भी, क्योंकि सुनने से हमें क्या होता है, हमारा नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है नॉलेज बढ़ता है, साथ ही साथ हमें क्या चीज़ अडेप्ट करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू व्हाट वी शुडंट डू, ओके, हमें क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम कानों से सुन सकते हैं और इंफॉर्मेशन अडेप्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई हियरिंग आल्सो नोन एज द सेंस ऑर्गन्स, और इसीलिए हमारे जो कान है उसको भी सेंस ऑर्गन्स में काउंटिंग किया गया है। नेक्स्ट वी विल सी नोज, नोज से क्या करते हैं हम, जैसे कि आपको पता है स्मेल लेना, ब्रीदिंग सबसे मेन प्रोसेस ब्रीदिंग की है, सांस लेने की जो प्रोसेस है नोज से की जाती है, साथ ही साथ हम जिस प्लेस पे खड़े हैं, अगर कुछ पब्लिक प्लेस है तो उस ब्रीदिंग में क्या होता है कि पब्लिक प्लेस में भी हम ब्रीदिंग नोज से लेते हैं, अगर अच्छा जो जैसे गार्डन में खड़े हैं और पब्लिक प्लेस में, ठीक है, तो पब्लिक प्लेस में क्या होता है पॉल्यूशन होता है, बहुत डस्ट रहता है, शोर रहता है बहुत सारा, तो वो सारी चीज़ें या फिर किसी ने कुछ खराबी कर दे तो क्या है नोज से हम क्या करते हैं उसको इमेजिन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन गार्डन में फ्लावर लगे वो भी नोज से होता है, तो दैट इज आल्सो अ सोर्स विच गिव अस द इंफॉर्मेशन, वो क्या करते हैं हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। देन वी विल सी द टंग, टंग का मतलब होता है जो हमारे टंग जो माउथ के अंदर है उससे क्या होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं जो भी खाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन उस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे खट्टा है बिटर है सॉल्टी है या फिर स्वीट है, ये सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज हमें टंग के माध्यम से मिलता है और इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन कहा जाता है। तो सेंस ऑर्गन्स का कुल मिला के टोटली इन अ शॉर्ट वी कैन सेंस ऑर्गन्स गिव अस होल नॉलेज विच वी वॉन्ट, ओके, विच आर बॉडी वन, जो हमारे बॉडी को चाहिए या फिर जो भी रिएक्शंस होती है वो सारे हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करती है, सेंस ऑर्गन्स करती है। सो इन दिस टॉपिक इन दिस लेसन इस लेसन में हमने कुल मिला के क्या पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, देन Yesterday we learned the excretory system and today we learned the nervous system. So all that four topics or five topics we have learned from this lesson. इस lesson से पढ़े हैं। I hope that all the portion I explained you understood very well. Okay. So students, in a next period we will see the question answer of this lesson. Okay. So just I am giving the instruction to you. I hope that you understood this lesson very well. And the next task is for you that try to find out the question and answer from the textbook. ठीक है, textbook से क्या करना है आपको, question answer find out करना है. And just stick it. Okay. Tomorrow means in the next period we will learn, we will observe all the question answer of the taught lesson or question. Okay. Okay, beta. Bye. Have a nice day.